सुप्रभातम छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट दो शब्द परिचय के बारे में पढ़ा था। शब्द परिचय में हमने पुल्लिंग अकारांत शब्द पढ़े थे कि पुल्लिंग अकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं। आज हम स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मती आदि। परंतु हम इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो। छात्रों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम में जब वर्ण आ जाए तो अकारांत होता है, और जब आ जाए तो अकारांत होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है उन्हें हम शब्द कहते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे चलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। अकारांत एकवचन में बालिका का उदाहरण लेते हैं। बालिका शब्द है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर बालिका आएगा। अकारांत एकवचन क्या होगा? बालिका। द्विवचन बालिके और बहुवचन बालिकाः। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। बालिका का एकवचन बालिका ही रहेगा, द्विवचन बालिके हो जाएगा और बहुवचन बालिकाः हो जाएगा। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसमें, जैसे महिला, एक महिला, महिले, दो महिला, महिलाः, अनेक महिलाएं। अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिके, दो अध्यापिकाएं, अध्यापिकाः, अनेक अध्यापिकाएं। गायिका, एक गायिका, गायके, दो गायिका, गायिकाः, अनेक गायिका। नायिका, नायिके, नायिकाः। चटका, चटके, चटकाः। वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः। अजा, अजे, अजाः। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। कन्या, कन्ये, कन्याः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। सेविका, सेविके, सेविकाः। नासिका, नासिके, नासिकाः। सारिका, सारिके, सारिकाः। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। मूषिका, मूषिके, मूषिकाः। नौका, नौके, नौकाः। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। ये सभी कौन से शब्द थे? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द थे। ठीक है, अब हम नपुंसक लिंग अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अनेक नपुंसक लिंग शब्दों में से हम इस पाठ में अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत जिसका अंतिम वर्ण आ हो,
नपुंसक लिंग जो ना स्त्रीलिंग हो और ना ही पुल्लिंग हो, शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ पर फल का उदाहरण लेते हैं। फल का एक वचन क्या हो जाएगा? फलम। फल का द्विवचन क्या हो जाएगा? फले। फल का बहुवचन क्या हो जाएगा? फलानी। ऐसे ही आपको नीचे नपुंसक लिंग के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। मतलब कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंदे, कंदुकानी अनेक गेंदे। क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी एक खिलौना, दो खिलौने, अनेक खिलौने। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। कलमम, कलमे, कलमानी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। कमलम, कमले, कमलानी। जलम, जले, जलानी। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। अन्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के कुछ उदाहरण हैं, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी। फलम, फले, फलानी। शाकम, शाके, शाकानी। अन्नम, अन्ने, अन्नानी। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानी। दाढ़िमम, दाढ़िमम, दाढ़िमे, दाढ़िमानी। जम्बूफलम, जम्बूफले, जम्बूफलानी। अमृतफलम, अमृतफले, अमृतफलानी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्राणी। दूरदर्शनम, दूरदर्शने, दूरदर्शनानी। कर्गदम, कर्गदे, कर्गदानी। मानचित्र, मानचित्रम, मानचित्रे, मानचित्राणी। समाचार पत्रम, समाचार पत्रे, समाचार पत्राणी। मुखम, मुखे, मुखानी। उपवनम, उपवने, उपवनानी। धनम, धने, धनानी। ताम्रम, ताम्बे, ताम्राणी। रजतम, रजते, रजतानी। स्वर्णम, स्वर्णे, स्वर्णानी। लोहम, लोहे, लोहानी। इस पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द को पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को ये शब्द समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।